हेलो एवरीवन आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी जा रही हो आज के करंट अफेयर्स क्विकली से हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो पहला है हेपेटाइटिस डिजीज किससे रिलेटेड है इनफ्लेशन ऑफ लिवर सीवियर कफिन कोल्ड बोन डिफॉर्मिटी या फिर स्किन डिसऑर्डर सो एक मोमेंट लीजिए और सोचिए किससे रिलेटेड है बाकी कॉन्टेक्स्ट प्लीज मत रीड कीजिए और जस्ट थिंक अबाउट इट आपने कई बार पढ़ा होगा तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसे रिसर्च की है कि देर हैज बिन स्पाइक इन केसेस इन कोविड अफेक्टेड चिल्ड्रन सो जितने भी वहाँ के स्टेट के बच्चे हैं जिनको कोविड हुआ है उसमें आठ परसेंट बच्चों को हेपेटाइटिस पाया गया है सो दैट वॉज द कंटेक्स और अब हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं हेपेटाइटिस इन्फ्लेशन ऑफ लिवर होता है उसमें सिम्टम्स हैं नौशिया लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस और माइल्ड फीवर देखिए लिवर एक वाइटल ऑर्गन है जो प्रोसेस करता है न्यूट्रिएंट्स, ब्लड को फिल्टर करता है और इन्फेक्शन से लड़ता है जब लिवर खराब होता है तो धीरे धीरे बॉडी के फंक्शनिंग बंद हो जाती है बोलते हैं लिवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट बहुत एक्सपेंसिव है और जल्दी से मैच भी नहीं करता इसलिए ये भी कहा जाता है कि अल्कोहल कम पीना चाहिए राइट right? वो लिवर को डैमेज करता है सो नाउ लेट्स ऑफ हेपेटाइटिस देर आर टाइप्स ए बी सी डी और ई ए कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है बी इन्फेक्टेड ब्लड से होता है सी एक uh, फ्लैवी वायरस से होता है हेपेटाइटिस सी है ना काफ़ी सिवियर होता है क्योंकि उसका क्योर होना इतना इजी नहीं है मेडिसिन अभी तक नहीं डिस्कवर हुई है और वो कैलिव कैंसर भी कॉज करता है हेपेटाइटिस डी बॉडी डिफ्लूड से होता है पेरेंट्स के थ्रू मिलता है और हेपेटाइटिस ई भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है सो so, ए और ई है ना रीजन स्पेसिफिक है और 2020-2021 दिया गया था सी वाय पी और जब वायफाई हो गया है तो उसका क्योल भी हम जल्दी से ढूंढ लेंगे और उससे हम हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट कर सकते हैं सो so, हेपेटाइटिस इतना you know, क्यों है? So, कितना है सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ जो है वो है ना सेवेंटी मिलियन लोगों को अफेक्ट करता है और चार लाख डेथ एवरी ईयर कॉज करता है इट इज कम्पेरेबल टू टी बी एंड इट मोर डेथ इट अदर एज डेथर सो ये था पूरा के बारे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रम्स पॉइंट ऑफ व्यू तो ये जरूर से ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा अब बात करते हैं विच कंट्री वॉन्ट्स टू जॉइन नाटो सो फर्स्ट इज रशिया आयरलैंड यू ए And Think about it. है बेल्जियम और ये है ना एक कलेक्टिव सिस्टम ऑफ डिफेंस वो क्रिएट करते हैं जिसमें इन इनके जो भी मेंबर्स है ना वो म्यूचुअली एग्री करते हैं कि किसी के वहां भी अटैक हुआ तो सारे कंट्रीज खड़े हो जाएंगे उनके सपोर्ट में और डिफेंड करेंगे उनको उनको प्रोटेक्ट करेंगे बाकी कंट्रीज के अगेंस्ट तो ओरिजिनली स्ट्रेंथ इसकी सिर्फ बारह थी और अब तीस हो गई है एट प्रेजेंट सो धीरे धीरे नाटो इज एक्सपांडिंग तो रशिया इज वेरी मच अगेंस्ट इट इसलिए उसने यूक्राइन पे अटैक किया था जस्ट बिकॉज टू नाटो टू प्रिवेंट फ्रॉम नाटो रशिया रशिया हैड रेडेड इट इज अ थ्रेट अट्रेटेजिक थ्रेट बिकॉज देखिए फिनलैंड ये है फिनलैंड और ये रहा स्वीडन सो so, फिनलैंड और ये रशिया है सो so, फिनलैंड और रशिया की बॉर्डर मैच होती है तो यहाँ पे रशिया अब सोच रहा है कि हम डबल मिलिट्री लगा दे और इट इज अ वेरी बिग स्ट्रैटेजिक स्टैंड बैक फॉर रई क्रिएट हो रही है, so ये सारी है तीस कंट्रिया है तो उसमें से यूएस है फिर कैनेडा uh, है और यूरेशिया में से एक कंट्री है दैट इज टर्की और बाकी की जो कंट्रीज है वो यूरोपियन कंट्रीज है ये आप यूरोपियन कंट्रीज देख सकते हैं मैप पे ये कंट्रीज आप जरूर से याद कीजिएगा नाटो अभी काफी न्यूज में है रशिया ने इनवेड किया है यूक्रेन को तो अप्रीडियम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नाटो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है एडवा सो इट इज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 अभी रिसेंटली ये जजमेंट आया था फ्रॉम दिल्ली कोर्ट ये किससे रिलेटेड है सो इज इट एसिड अटैक

नॉन कॉन्सेंशियल एक्ट दिस कोर्ट प्रिंसिपल एंड इसलिए उसको क्रिमिनलाइज करना ही चाहिए सो बात हो रही है सेक्शन थ्री सेवन रेप की ऑफ इंडियन पीनल कोर्ट तो उसमें रेप के डेफिनेशन है छह तरीके के सर्कमस्टेंसेस दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया है बट हम बात कर रहे हैं एक्सेप्शन की सो एक्सेप्शन योर इज सेक्शुअल इंटरकोर्स बाई अ मैन विध ओन वाइफ द वाइफ नॉट बिंग अंडर द एज ऑफ फिफ्टीन ईयर सेक्शन so, क्या करता है मैरिडल रेप को अलाव करता है तो इस ये जजमेंट दिया गया था तो इट अ अट जजमेंट तो आउटकम नहीं निकला एंड नाउ पीपल आर डिमांडिंग प्लीज आप इसका कुछ कीजिए और इसको आप क्रिमिनलाइज कीजिए दैट इज दॉपुलर डिमांड इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी बैठाई गई थी आफ्टर टू में जो हॉरिफिक गैंगरेप हुआ था दिल्ली में ये कमेटी बैठाई गई थी to suggest possible amendments to the criminal law and to make it more stringent. तो so, कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे और उसमें से काफी वो लोग ने नेशनल जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट है 2013 उसमें अडॉप्ट किया था विद द मेन पॉइंट ये जो मैरिटल रेप के थे वो गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया था इन द कैप्टेट तो क्या कमेटी ने प्रपोज किया था कि ये जो एक्सेप्शन फॉर मैरिटल रेप है अंडर सेक्शन थ्री उसको रिमूव कर देना चाहिए और एक्सेप्ट नहीं किया गया है एंड क्रिमिनलेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में एड नहीं किया गया था कुछ रिसेंट जजमेंट देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के सो इंडिया

Crime था, section, uh, 479 of IPC में उसको स्ट्रक डॉन किया गया था so However, recently, एक जजमेंट आया था सुप्रीम uh, कोर्ट का जिसमें तमिलनाडु कस्टम को अपहोल्ड किया गया था एंड uh, वहां पे एक हसबेंड uh, ने अपनी बेसिकली एक मैन ने अपनी नीस के साथ फोर्स किया था फॉर सेक्शुअल इंटरकोर्स

Thomas Cup concept sports related. -re -re -re? Badminton, football, hockey, yeah, tennis. So it is a badminton. India had an historic win. Indian badminton team has won its first ever Thomas Cup creating a history. Isn't it a wonderful day for India? sab proud nahi? It's amazing, right? थॉमस so, रिलेटेड है बैडमिंटन से वो 1949 में फॉर्म हुआ ने जीता था सो so, इंडिया ने इस साल इंडोनेशिया के अगेंस्ट खेला एंड इंडोनेशिया जीरो पे था और इंडिया थ्री पॉइंट पे था उतनी ज्यादा हिस्टोरिक विन में हम जीते हैं सो so, टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन बैंकॉक और इंडिया दिए 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 द और बैडमिंटन के कोच है पी गोपीचंद उनके आने से काफी हम सक्सेस स्पोर्ट्स में देख रहे हैं टेनिस में भी देखा और बैडमिंटन में भी देख रहे हैं सो इज अ कोच सो दैट्स वाज ऑल फॉर टुडे मोटे मोटे सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक आज के रिलेटेड हमने कवर कर लिए हैं आपको कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखे और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा धन्यवाद